बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। हर 1,000वें श्लोक का पहला अक्षर मिलाने से गायत्री मंत्र बन जाता है। 18 पुराणों के सार के रूप में महर्षि व्यास ने सिर्फ दो ही बातें कही, दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है और दुख देने से पाप। कागजों को जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति परिवार को जोड़े रखता है वही परिवार को चुभता है। सफलता भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी सुंदर लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। राम सेतु को बनाने वालों ने हर पत्थर पर सिर्फ राम का नाम लिखा, परंतु आजकल कोई एक सुई भी भगवान को अर्पित करता है तो उस पर अपना और अपने बाप का नाम लिखने की चाहत रखता है, और कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। और ज़िंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा करण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। और घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो वीडियो को तुमने पर लगाया था, पूरी दुनिया में किस देश की जनता सबसे ज़्यादा मूर्ख है। दोस्तों रोजाना की तरह गुजारिश है, हाथ जोड़कर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर इसका उत्तर है जो गूगल पर आप इसकी खोज कर सकते हैं, और काफ़ी अध्ययन के बाद जो पाया गया है इंटरनेट पर सर्च बॉक्स में वो आया है पाकिस्तान देश। पाकिस्तान देश पूरी दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी जनता सबसे ज़्यादा मूर्ख है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ की जो एयरफोर्स है मिलिट्री वगैरह है वो भी ISS जो भी अपराधी हैं उनको बढ़ावा देती है, और जो भी यहाँ पढ़ाई की जाती है वो सबसे ज़्यादा अपराधियों के पक्ष में की जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं जल्दी मिलूँगा अगली वीडियो में।